हेलो एवरीवन यूनिट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ में हम एक और वीडियो लेके आए हैं इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सएल सेल ऑफ जंक्शन एंड लूप रूल वीट स्टोन एंड मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियो और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम बोर्ड क्वेश्चन देखेंगे पोटेंशियो के ऊपर बेस्ड चलिए क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉड्स ऑफ अ सेल इन ए क्लोज सर्किट फॉर्मुला होता है वी इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट वन करंट फ्लोस थ्रू द सेल फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इनटू कैपिटल आर फिर आता है पोटेंशियोमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर ई एम ऑफ टू सेल्स इसका फार्मूला होता है ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू एल वन एल टू दूसरा यूज है वो है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंसूरेटली इसमें फॉर्मूला स्मॉल आर इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू माइनस वन इन टू कैपिटल आर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा ये क्या होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू वी बाय चलिए पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि टेक्निकली बोर्ड क्वेश्चंस हैं First well, question a potentiometer can measure emf of a cell because the sensitivity of potentiometer is large b no current is drawn from the cell at balance c no current flows in the wire of potentiometer at balance and d internal resistance of cell is neglected so the answer is a potentiometer can measure emf of a cell because no current flows in the wire of potentiometer at balance नेक्स्ट क्वेश्चन इन पोटेंशियोमीटर अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर इज़ यूज टू डैश पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ का क्या था पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका होता है के के इक्वल टू वी बाय एल तो अगर वायर लंबा है इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करेगा डिक्रीज ठीक है next question two cells of emf e1 and e2 where e1 is greater than e2 are connected as shown in figure when a potentiometer is used to measure potential difference between points a and b the balancing length of the potentiometer wire is 300 cm. but the same potentiometer for the potential difference between points a and c gives the balancing length 100 cm. find e1 by e2 the mirepaska l1 is 300 l2 is 100 चलिए फॉर पॉइंट्स ए एंड बी सिर्फ ये वाला सेल ऑपरेट कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं ई वन इज इक्वल टू के एल वन विच विल गिव ई वन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड के ना फॉर पॉइंट्स ए एंड सी बोथ द सेल्स आर यूज ई वन ई टू से ग्रेटर है और ई वन का नेगेटिव ई टू के नेगेटिव से कनेक्टेड है सो so फाइनल निकलेगा ई वन माइनस ई टू एंड दैट इज इक्वल टू के एल टू सो ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू हंड्रेड के नाव ई वन माइनस ई टू अपॉन ई वन करते हैं तो वो निकलता है हंड्रेड के अपॉन ऑन थ्री हंड्रेड के दैट इज वन माइनस ई टू वन इज इक्वल टू वन बाय थ्री दैट गिव्स ई टू बाई ई वन एज टू बाय थ्री और मुझे निकालना था ई वन बाय ई टू दैट विल बी थ्री बाय टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच पोटेंशियोमीटर देख सकते हो बहुत बार पूछा हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट है सो द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियो मीटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ प्रोवाइडेड करेंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कॉन्स्टेंट यानी कि इसमें मैथमेटिकल फॉर्म निकलता है वी इक्वल टू के एल वेयर के इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ और इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट Next question In a potentiometer, a standard source of EMF 5 volt and negligible internal resistance maintains a steady current through the potentiometer wire of length 10 meter. Two primary cells of EMF E1 and E2 are joined together in a series with. Same polarity and opposite polarity, the combination is connected to the potentiometer circuit in each case. The balancing length of the wire in the two cases are found to be 700 cm and 100 cm, respectively. Find the values of emf of the two cells. So, we have given VL. एल वन एल टू ठीक है जी काफ़ी चीज़ें गिवन है पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा होता है के इक्वल टू वी बाय एल यानी कि फाइव बाय टेन दैट गिव्स पॉइंट फाइव वोल्ट पर मीटर व्हेन द सोल्स आर जॉइंड इन सीरीज विद सेम पोलैरिटी ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू के एल वन दैट गिव्स ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव वी दिस इज इक्वेशन नंबर वन व्हेन द सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज विद ऑपोजिट पोलैरिटी ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू के एल टू

इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट डिक्रीज वैल्यू ऑफ करंट, डिक्रीज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या कनेक्ट असूटेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर इन छः में से कुछ भी कर सकते हैं और ये कई बार पूछा गया बोर्ड में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नेक्स्ट अ स्टूडेंट यूज द सर्किल डायग्राम ऑफ अ पोटेंशियो एज शोन इन द फिगर तो ये है हमारा फिगर अच्छा एक वन के पॉजिटिव से कनेक्ट है लेकिन ई टू के नेगेटिव से तो भाई यही पहला एरर दिखाई दे आर है चलो ये भी देखते हैं क्या है और बाकी तो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट यूज सर्किट डायग्राम ऑफ अ पोटेंशियोमीटर एज शोन इन द फिगर फॉर अ स्टडी करंट आई पासिंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ही गेट्स ए नल पॉइंट फॉर सेल ई वन एंड नॉट फॉर ई टू गिव्ड रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन एंड सजेस्ट हाउ दिस डिफिकल्टी कैन बी रिजॉल्व दूसरा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन द सर्किट हाउ विल द चेंज इन इट्स वैल्यू अफेक्ट द नल पॉइंट तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जिसमें आपको नल पॉइंट मिल रहा था ई वन के लिए ई के लिए क्यों नहीं मिल रहा था क्योंकि भैया आपने E2 का नेगेटिव A से कनेक्टेड किया हुआ है ये रीज़न है इसीलिए आपको नल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो करेक्शन क्या करो इंटरचेंज कर दो ई टू के टर्मिनल्स को यानी कि पॉजिटिव को ए से कनेक्ट करो और नेगेटिव को यहाँ कनेक्ट कर दो फिर फंक्शन ऑफ आर क्या था टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर बाय रिड्यूसिंग करंट फ्लोइंग थ्रू इट और अगर इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा Next question: Give reason why a potentiometer is preferred over a voltmeter for the measurement of EMF of a cell, or why is potentiometer preferred over a voltmeter for comparison of EMF of cells? The answer is because potentiometer draws no current from the voltage source being measured, giving a more accurate value. या मैं कह सकता हूँ पोटेंशियोमीटर कंपेयर कम्पेयर ई एम एफ वैल्यूज वाइल वोल्ट मीटर कैन ओनली कंपेयर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेज ऑफ द टू सेल्स या आप लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ वोल्ट मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर हाउ वुड द बैलेंसिंग लेंथ बी अफेक्टेड इफ आर वन इज डिक्रीज सेकेंड केस आर टू इज इंक्रीज अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम इन द सर्किट जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस तो सबसे पहली बात अगर आप आर वन को डिक्रीज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ भी डिक्रीज करेगी क्यों भाई अगर आप आर वन को डिक्रीज करते हो तो उससे क्या होगा करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर मीटर इंक्रीज करेगा करंट अगर इंक्रीज करेगा तो वी इंक्रीज करेगा ठीक है इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा और बैलेंसिंग लेंथ क्या करेगी डिक्रीज करेगी क्यों क्योंकि एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के दूसरा अगर आप R2 को इंक्रीज़ करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ भी डिक्रीज़ करेगी क्यों भाई अगर आप R2 को डिक्रीज करोगे तो करंट आपका डिक्रीज़ करता है क्यों I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है इससे क्या होगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है अगर I डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब V की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी और उससे बैलेंसिंग लेंथ क्या करेगी डिक्रीज करेगी

तो ये क्वेश्चन में 450 और ये आर ए बी हो गया फिफ्टी होगी क्वेश्चन में गिवन है करंट निकाल लें आई ए बी कितना निकलेगा वी अपॉन आर प्लस आर ए बी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा करंट निकलता जीरो पॉइंट जीरो वन एम्पेयर वोल्टेज अक्रॉस ए बी अगर निकालना चाहूँ तो वो होगा वी ए बी इक्वल टू आई ए बी इंटू आर ए बी इसमें वैल्यूज पुट की तो ये निकला पॉइंट फाइव वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें के इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल ए बी इसमें हमने वैल्यूज रखी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलता जीरो पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट पर मीटर बैलेंसिंग लेंथ निकालें तो एल इज इक्वल टू वी अपॉन के इसमें वी की वैल्यू रखी के की वैल्यू रखी तो बैलेंसिंग लेंथ निकलती है सिक्स मीटर अच्छा अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इसमें आपका क्या कहा था कि आपने फाइव वोल्ट वाले को रिप्लेस किया टू वोल्ट वाले से तो पहले निकालते हैं करंट आई डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन आर प्लस आर ए बी तो ये हमारा निकलता जीरो पॉइंट जीरो फोर एम्पेयर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकालते हैं तो वो निकलेगा आई डैश इंटू आर ए बी दैट इज टू वोल्ट तो बैलेंस पॉइंट जो है वो ऑप्टेन नहीं हो सकता पोटेंशियोमीटर में इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर ड्यू टू ऑक्सिलरी बैटरी इज लेस देन द ई एम एफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड हेंस द सर्किट विल नॉट वर्क Next question In a potentiometer arrangement for finding the EMF of a cell, the balance point of the cell in open circuit is 350 cm. When a resistance of 9 ohm is used in the external circuit of the cell, balance point shift to 300 cm. Determine the internal resistance of the cell. kya given hai L1 350 centimeter capital R 9 ohm. एल टू इज थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू कैपिटल आर इसमें सारी वैल्यूज पुट करके अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरी इंटरनल रजिस्टेंस जो है वो आती है वन पॉइंट फाइव ओम नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ग्राफ शोन बिलो फॉर टू पोटेंशियो मीटर्स स्टेट विद रीजन विच ऑफ द टू पोटेंशियो मीटर्स ए और बी इज मोर सेंसेटिव ठीक है ये मेरा वी बाय एल का ग्राफ है अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो मुझे मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ज़्यादा आएगा उसकी सेंसिटिविटी कम होगी और यहाँ पे स्लोप कम किसका है बी का तो इसी हम कौन सा पोटेंशियोमीटर मीटर करेंगे पोटेंशियोमीटर बी जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होगा क्यों क्योंकि इसमें स्लोप यानी कि वी बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग पोटेंशियोमीटर सर्किट ए बी इज यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल मीटर एंड रेजिस्टेंस टेन ओम कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर एंड बैलेंस लेंथ एओ तो हमारी सबसे पहली चीज करंट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर वायर होगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वी दैट कैन बी रिटर्न एस टू अपॉन फिफ्टीन प्लस टेन क्यों क्योंकि 15 ये और 10 ये इससे मुझे आई निकलता है 2 बाई ट्वेंटी फाइव एम्पेयर ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर वी ए बी इज इक्वल्स टू आई विच इज़ टू बाई ट्वेंटी फाइव इन टू आर विच इज़ टेन दैट गिवस पॉइंट एट वोल्ट न पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालें तो के इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल ए बी दैट गिवस पॉइंट एट वोल्ट पर मीटर Now the current flowing in the circuit containing the experimental cell that will be 1.5 upon 1.2 plus 0 0.3 and that gives the current as 1 ampere. So potential difference across length AO of the wire Hamara Nikalta 0.3 into 1, that is 0 0.3 volt. Now we can say 0.3 is equal to k into length of AO K K value put ki. और सॉल्व किया तो हमारा लेंथ ऑफ एओ निकलता है 0.375 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर सेपरेटली यूजिंग द सर्किट डायग्राम शोन कीपिंग अदर थिंग्स अनचेंज्ड एक्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर वाई डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एस इन द सेटअप हाउ विल दिस चेंजेस अफेक्ट द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इन ईच केस एंड वाई तो सबसे पहले पहला केस उसमें क्या किया एक्स ने आर की वैल्यू को बढ़ाया इसके कारण क्या होगा आपका बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज़ करेगी क्यों भाई क्योंकि अगर आप सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं जो कि आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज़ करता है क्यों क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका करंट डिक्रीज़ होगा और अगर करंट डिक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज़ करेगा और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज़ करेगा तो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज़ करती है क्यों क्योंकि के इज़ इक्वल टू वी अपॉन एल होता है और अगर के डिक्रीज़ कर रहा है तो एल क्या करेगा इंक्रीज करेगा इसके कारण आपका नल पॉइंट जो है वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा दूसरा केस जिसमें क्या किया वाई ने एस की वैल्यू को डिक्रीज किया इसके कारण बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज करती है क्यों क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला वी इक्वल टू ई माइनस आई आर तो अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट आई इंक्रीज़ करेगा और अगर आई इंक्रीज करेगा तो वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी और अगर वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज करेगी और आपका नल पॉइंट ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी विद लेंथ एल इन केस ऑफ टू पोटेंशियोमीटर वायर्स वायरस पी एंड क्यू इज़ एज शोन विच वन ऑफ दीज वेल यू प्रीफर फॉर कंपेयरिंग ई एम एफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स एंड वाई तो V और L का ग्राफ है V बाय एल यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका ज़्यादा है P का और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी और सेंसिटिविटी कम होगी तो प्रिफर नहीं किया जाएगा इसका मतलब हम प्रीफर करेंगे Q को रीज़न क्या है क्योंकि सेंसिटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट और Q का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है P से तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने के कारण उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट राइट इट्स ऐसा यूनिट ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं इट इज़ द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर फॉमूला होता है के इक्वल टू वी बाय एल ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर और अब मुझे निकालना है रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट का रजिस्टिविटी की टर्म्स में सो वी नो के इक्वल टू वी बाय एल की जगह लिखा जा सकता है आई आर आर की जगह लिखा सकता है यूनिफॉर्म वायर ऑफ रजिस्टेंस एंड लेंथर इट इज कनेक्टेड टू ए सेल इवन ऑफ एफ टू वोल्ट एन एग्लिजिबल इंटरनल रजिस्टेंस एंड ए रजिस्टेंस आर द बैलेंस पॉइंट विद अनदर सेल E2 of ऑफ 75 एम is found at 30 cm इज़ फाउंड एट Calculate सेंटीमीटर value एंड ए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर मेरे पास क्या क्या गिवन है आर ए बी फिफ्टीन ई वन टू ई टू सेवेंटी फाइव मिली वोल्ट जिसे वोल्ट में कन्वर्ट किया और एल हो गया थर्टी सेंटीमीटर ना करेंट थ्रू ए बी होगा आई इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर प्लस आर ए बी दैट गिव्स आई इज इक्वल टू टू अपॉन आर प्लस फिफ्टीन पोटेंशियल डिफरेंस ए बी अगर निकालें तो वो निकलेगा वी ए बी इज इक्वल टू आई इनटू आर ए बी पुटिंग द वैल्यूज वी गेट थर्टी अपॉन आर प्लस फिफ्टीन पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल ए बी इसमें अगर वैल्यूज पुट की तो हमारा के निकलता है थ्री अपॉन टेन आर प्लस फिफ्टीन ना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्टी सेंटीमीटर अगर निकालें तो होगा ई टू इक्वल टू के एल

में अगर आपने आर को इंक्रीज किया है तो बैलेंस पॉइंट टूवर्ड्स बी क्यों क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा तो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज करेगी दूसरे में अगर आपने एस को इंक्रीज किया है तो बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्यों क्योंकि बैलेंस पॉइंट के ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं करता है एस के अंदर से तो को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है नेक्स्ट ऑफ टेन ओम इट इज कनेक्टेड बैटरी इन पॉइंट एट फोर्टी सेंटीमीटर तो मेरे पास क्या क्या गिवन है एल गिवन है आर वन वी आर टू और एल डैश गिवन है चलिए करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर होगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस इसमें वैल्यूज़ रखी तो आई निकलता है पॉइंट फोर एम्पेयर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियो मीटर वायर आपका निकलेगा वी डैश इज इक्वल टू आई आर तो ये निकलता है फोर वोल्ट वैल्यूज़ रखने पे पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालें तो होता है के इक्वल टू वी डैश अपॉन एल जिसमें वैल्यूज़ रखी तो निकला फोर वोल्ट पर मीटर ई एम एफ ऑफ प्राइमरी सेल निकलेगा ई इज़ इक्वल टू के इन टू एल डैश इसमें हमने K और L के और एल डेस की वैल्यू रखी तो ई निकलता है ई इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर शोज अ लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर ए बी having a constant potential gradient the null points for the two primary cells of EMFs e1 and e2 connected in the manner shown are obtained at a distance of l1 120 cm and l2 is equal to 300 cm from the end a determine e1 by e2 or दूसरा पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल e1 only तो अगर हम देखें l1 और l2 गिवन है फिगर में अगर देखो तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से यानी कि होगा E1 वन माइनस ई टू इज इक्वल टू वन के और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो ये होगा E1 वन प्लस ई टू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड के सो ई वन प्लस ई टू इक्वल टू थ्री हंड्रेड के इज इक्वेशन वन एंड ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू वन ट्वेंटी के इज इक्वेशन टू दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इससे मुझे ई वन की वैल्यू निकलती है टू हंड्रेड टेन के और इक्वेशन वन में ई वन की वैल्यू पुट करते हो तो ई टू की वैल्यू निकलती है नाइन्टी के अच्छा फिर मुझे निकालना था ई वन बाई ई टू वो निकलेगा सेवन बाई थ्री और दूसरे में अगर पोजीशन निकालनी है बैलेंसिंग लेंथ की या नल पॉइंट की फॉर द सेल ई वन तो वो निकलेगी टू हंड्रेड टेन सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू पॉसिबल कॉजेज फॉर वन साइडेड डिफ्लेक्शन इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट तो इसके दो कारण हो सकते हैं पहला इफ ई एम एफ ई वन और ई टू इज मोर देन ई एम एफ ऑफ द ड्राइवर सेल देन वी हैव वन साइड डिफ्लेक्शन या फिर पॉजिटिव एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द सेल हुज हुफ इज टू बी डिटरमाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर सेपरेटली यूजिंग द सर्किट शोन कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज हाउ विल द पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट बी अफेक्टेड इफ एक्स इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस आर इन द सेटअप बाई कीपिंग की के वन क्लोज एंड की के टू ओपन वाई डिक्रीजेज वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस एस इन द सेटअप वाई की के टू रिमेन्स ओवन एंड के वन क्लोज्ड जस्टिफाई तो सबसे पहली बात अगर आपने आर को इंक्रीज किया है तो करंट थ्रू ए बी डिक्रीज करेगा ठीक है इससे आपका वी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज़ करेगा और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज़ करेगा तो उसके कारण क्या होगा लेंथ इंक्रीज़ करेगी यानी कि नल पॉइंट जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा बी की तरफ दूसरे केस में अगर आपका के टू ओपन है और के वन क्लोज है तो सर्किट तो पहले वाला ही हो गया ठीक है अब के टू ओपन है तो अगर आप ऐस में इंक्रीज या डिक्रीज करो उसका नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर शो सर्किट डायग्राम ऑफ अ पोटेंशियोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग ई एम एफ ई ऑफ अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रजिस्टेंस वॉट इज द परपज ऑफ यूजिंग हाई रजिस्टेंस आर टू हाउ डज द पोजिशन ऑफ बैलेंस पॉइंट जी चेंज वैन रजिस्टेंस आर वन इज डिक्रीज सी पार्ट वाई कैन नॉट द बैलेंस पॉइंट बी ऑबटेन वैन द ई एम एफ ई इज़ ग्रेटर दैन टू वोल्ट एंड वन द की के इज़ क्लोज तो सबसे पहले पार्ट का आंसर ये है कि हम हाई रेजिस्टेंस आर टू को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इससे क्या होता है गेलवनोमीटर और सेल दोनों डैमेज होने से बच जाते हैं दूसरी चीज़ अगर आपने आर वन को डिक्रीज किया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज करेगा और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा तो बैलेंस पॉइंट जो है वो लॉन्गर वायर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा यानी कि बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तीसरा द बैलेंस पॉइंट इज नॉट ऑपटेन वेन द ई एम एफ ई इज़ ग्रेटर देन टू वोल्ट बिकॉज मैक्सिमम ई एम एफ अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज़ टू वोल्ट दूसरा अगर आपका की के क्लोज है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज जीरो सो बैलेंस पॉइंट कांट बी बिटवीन ए एंड बी ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम जानते हैं वी इक्वल टू होता है के एल और अगर आपका वी जीरो है तो एल जीरो ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अ मीटर वायर ऑफ लेंथ वन मीटर इज कनेक्टेड टू ए ड्राइवर सेल ऑफ ई एम एफ थ्री वोल्ट एज शोन इन द फिगर When a cell of 1.5 volt EMF is used in the secondary circuit, the balance point is found to be 60 cm On replacing this cell and using a cell of unknown EMF, the balance point shift to 80 cm Find the unknown EMF. तो हमारे पास क्या-क्या गिवन है? हमारे पास E1 है, L1 और L2 है. ठीक है, हम जानते हैं E1 by E2 is equal to L1 by L2 होता है. इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करके अगर सॉल किया, तो हमारा E2 निकलता है 2 volt. नाउ इज द टाइम फॉर एक्नोलिजमेंट गूगल बिंग एन सी आर टी सब धन्यवाद जहाँ से जो भी डेटा लिया गया एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ ऑन द मैग्नेटिज्म सीरीज़ थैंक यू सो मच